पूरे 20 साल पूरे के और लोगों की जो एक लोगों की एक भीड़ है जो यहाँ पर नजर आती है सूरज वाटर पार्क में एंजॉय करते हुए। लोगों ने बहुत प्यार दिया है सूरज वाटर पार्क को, जिसके लिए हम लोग मेरा पूरा फैमिली लोगों को थैंक यू बोलना चाहेगा। हमारे जो ब्रदर है जो सूरज जी है, उन्होंने इस टाइम बहुत ही अच्छी प्लानिंग की है, जहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स को लाए हैं। इनफैक्ट अभी जो 27th को जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है वो सबसे बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पे शबाब शबरी खुद आने वाले, जो वॉइस ऑफ सलमान खान है, देन हज़ारिका जी आ रहे हैं। बच्चों के लिए वापस हम लोग ने अब परेड प्लान किया है, जहाँ पे उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स को वो मिल सकते हैं। इस हिसाब से हम लोग की प्लानिंग्स चल रहे हैं, बट इट्स ऑल थैंक्स टू दी पब्लिक हु इज़ गिविन सो मच ऑफ लव टू सूरज वाटर पार्क। वी रियली थैंक यू ऑल। तो जब कोई पार्क या कोई गार्डन एक बार लोग बना देते हैं तो फिर उसको और भी ज़्यादा आप ये सोचते हैं कि यहाँ के जो लोग आते हैं उनके डिमांड बढ़ते हैं, उन्हें और कुछ नया चाहिए, तो इस बात पे कितना ध्यान देता है सूरज वाटर पार्क उनकी उनकी जो चाहत होती है उसे पूरा करने के लिए? हम लोग सजेशंस लेते हैं लोगों के, 60-70% लोग बहुत यहाँ से खुश होते हैं, 40% लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम होने चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जो सूरज जी है उन्होंने पर्सनली इसके ऊपर ध्यान देके ये एक छोटा सा जो कार्निवल है वो उन्होंने इस टाइम पूरा उस हिसाब से उन्होंने बिठाया है, जहाँ पर लोग आए इन्जॉय करें। जो बड़े लोग हैं जो आज म्यूज़िक इन्जॉय करते हैं, सेम टाइम बच्चे हैं उनके लिए भी ऐसे कार्निवल और यू नो परेड रखे, कार्टून कैरेक्टर्स को मिले, उस हिसाब से उन्होंने इस टाइम पूरा प्लान किया। तो 27 को क्या कुछ खास होगा लोगों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ डिस्काउंट भी, क्योंकि आपके 20 ईयर कम्प्लीट हुए तो यहाँ पे लोगों के लिए गर्मियाँ भी चल रही है और गर्मियों में लोगों के लिए डिस्काउंट होता है और 20 ईयर्स कम्प्लीट किए हैं, तो लोगों के लिए पब्लिक के लिए क्या कुछ खास होगा? डिस्काउंट तो नहीं रखे हैं मैडम, बट या दे विल रियली इन्जॉय फॉर श्योर। जिस हिसाब से हम लोग ने शबाब जी को बुलाया, रानी हज़ारिका जी को बुलाया, सो दे विल फॉर श्योर, प्लान वही है कि पब्लिक यहाँ से डांस करती हुई जाए, तो उसके ऊपर हम लोग ने ज़्यादा ध्यान दिया। तो 2019 आपने कंप्लीट किया होगा, अभी आपने 20 कंप्लीट किया, तो 19 और 20 के बीच में इस एक साल के बीच में कुछ नया क्या कुछ खास रहा? नया अभी तक हम लोग ने प्लान किया है कि एक दो नई राइड्स लेके आएंगे, बट शॉर्ट टर्म में विल लुक आफ्टर दैट आल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, जब पार्क डेवलप हो के वाइट वाटर इंडस्ट्रीज कनाडा वर्ल्ड नंबर वन मैन्युफैक्चरर ऑफ दी वाटर पार्क अम्यूजमेंट राइड, उनसे मुछाला ग्रुप ने डीलिंग करके फर्स्ट 7 राइड्स उन्होंने 1996 में बुला के यहाँ पर स्टॉक रखा, कॉन्सेप्ट डेवलप किए। उनकी मुछाला जी के दिमाग में था पहले अम्यूजमेंट करने का, बाद में उन्होंने सन सिटी ये वगैरह स्टॉप करने के बाद हिंदुस्तान में पवित्र स्थान की ये पानी जो है ये पूरा बॉडी माइंड सोल एंड बॉडी जब क्लीन करता है, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए हिंदुस्तान में वाटर पार्क जैसी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुई थी। उन्होंने 1996 में आए स्टडी किए, 1998-28 में तो वाटर पार्क डेवलप हुई वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में ये ओनली थर्ड वाटर पार्क, फर्स्ट इज मेहसाना, सेकेंड इज वाटर किंगडम, थर्ड इज सूरज वाटर पार्क 28 मई 1998 इन इंडिया वाटर पार्क कॉन्सेप्ट में जो ओपन हुआ। अभी हम कॉमनली मैं आया, मुझे क्या लगा ये फॉरेस्ट है, अरण्य है, फॉरेस्ट है, अरे फॉरेस्ट में अरे पत्थर है, ये पत्थर से पानी निकल रहा है, वाह क्या है ये कॉन्सेप्ट। को दिस इज टोटली हिंदुइज्म की ट्रेडिशन है हमारी, जब धरती पे पानी का प्रवाह की पानी के लिए तरस रहे थे भक्त लोगों ने शिव महाराज जी को, शिव जी को प्रार्थना किए हमको पानी दो पानी दो पानी दो, शिव जी ने अपना तपस्या पूरा करके गंगा को जटा से गंगा को उन्होंने धारण किया, गंगा धरती पे आ, अगर गंगा धरती पे अगर आ जाती तो धरती पूरा फट जाती, शिव जी ने अपनी जटा में गंगा को धारण किया, शिव जी है या शिव जी के जटा पे गंगा धारण है, गंगा धारण की तौर पे हमने 15 HP का मोटर रखा है, जो पहले को 15 HP मोटर पानी से शिव जी की फेस पे आएगा, देन ये जो है 30 HP की मोटर से, उसके बाद कान से जो है 60 HP की मोटर से, दिस इज टोटली मेडिकेटेड, मैं कैसा बोलूँ साइंस में अक्यूप्रेशर अक्यूपंक्चर, आप जाइए उधर जाके आप प्रेशर देके आप सो जाइए, यू विल गेट योर बैक बोन्स एंड एवरीथिंग रिलैक्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द वाटर, इट इज साइंटिफिकली ट्रीटेड। साइंस में आज की तारीख में 0 degree water रहना चाहिए एक्सीडेंट प्रूफ करने के लिए, दिस इज 0 degree water।
परिवार फैमिली बच्चे आए बैठे हॉट एकदम हैवी शावर नहीं लेना है, दे कैन कम एंड एंजॉय द नॉट इवन ए सिंगल बकेट ऑफ वाटर इज स्टैग्नेंट हियर इट गोज अराउंड टू फिल्ट्रेशन पॉइंट एवरी मिनट एंड कम बस 5 lakhs ऑफ लीटर बींग ट्रीटेड एवरी मिनट एंड इट इज नथिंग इफ यू पास द ओजोन इन दिस वाटर विल बी ए मिनरल वाटर दिस इज द कॉन्सेप्ट दिस इज द ट्रेडिशन दिस इज द साइंस अरुण कुमार मुखाला जी ग्रुप को डेवलप किया है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट इज स्टोव नॉट एनीथिंग इट इज अ स्टोव फाइबर स्टोव ये कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके मुझे लगता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट ये लेके करने वाला कोई अभी तक मेरे हिसाब से नहीं दिस इज थिंग पीपल एंजॉय इट एवरीवेयर आप कहीं से भी लोनावला ये वगैरह अरे भाई बारिश में आएंगे फॉरेस्ट में ही लगेगा कि मैं फॉरेस्ट में हूँ हमारा जतिन निगम तो जतिन जी क्या कहना चाहेंगे सूरज वाटर पार्क ने 20 साल कंप्लीट किया जिस तरह से आपने आज परफॉर्मेंस दिया कितना अच्छा लगा इन लोगों के बीच में यहाँ पे जो यहाँ की पब्लिक थी जो एंजॉय कर उनके सामने परफॉर्मेंस देना आज बहुत अच्छा लगा आज इसके सूरज वाटर पार्क की बर्थडे थी तो हम लोगों ने परफॉर्म किया और सबने बहुत इन्जॉय किया बहुत अच्छी ऑडियंस थी आज और बहुत मज़ा आया सबको तो कुछ खास आपने गानों की तैयारी करके आए थे कलेक्शन हाँ थोड़े से पंचिंग नंबर्स रखे थे जिससे कि सब लोग डांस कर सकें बिकॉज यूथ ज़्यादा थे बच्चे भी थे तो उस तरह से थोड़े पंजाबी नंबर्स और एक ढोल का हम लोगों ने स्पेशल इफेक्ट डाला हुआ था लाइव ढोल का तो हर गाने में थोड़ा सा ढोल का एक फ्लेवर मिक्स करा था जिससे कि एक अलग पंच आए और जिससे कि सबको बहुत मज़ा आने वाला था और सब एक लाइन आप सुनाना चाहेंगे दर्शकों जैसे वो वाला स्लो मोशन अंग्रेजा गाना हम लोगों ने किया था जैसे स्लो मोशन अंग्रेजा स्लो मोशन अंग्रेजा हुड़ क्यों टाइम गवाए सीधे बाहों में भर ले सरसरी क्यों बढ़ाए मेरी विस्की गे मेरी ठर्री गे तू मैनू चढ़ गई मेरी सोनी गे रोको ना टोको ना के मुझको भी नजर रज के गुलमिल लांडा गुलमिल लांडा गुलमिल इस तरह से था आपका जी आपने बहुत सारे वाटर पार्क में एंजॉय किया होगा लेकिन आज सूरज वाटर पार्क में आके क्या कुछ खास लगा और आप साथ में आपने स्टेज परफॉर्मेंस भी दिया जी लाइक इसका 20th लाइक यू टेलिंग द बर्थडे है था तो एक्चुअली क्या होता है जब ऑडियंस इन्जॉय करती है तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तब मिलता है आर्टिस्ट को तो वही अच्छा लगा हम सभी हम लोग लखनऊ से आए हैं तो हम लोग को सब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके तो आप लखनऊ से मुंबई आई तो मुंबई की ऑडियंस कैसी लगी और यहाँ पे परफॉर्मेंस आपने वहाँ पे दिया होगा लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस देना आपके लिए क्या खास लगा काफ़ी एनर्जेटिक थी ऑडियंस पूरी अच्छे से इन्जॉय किया और क्या चाहिए बस दीपांकर निगम है तो दीपांकर जी क्या कहना चाहेंगे आज सूरज वाटर पार्क में और 20 साल कंप्लीट किए हैं इन्होंने आज इनकी एनिवर्सरी थी तो कितनी खुशी है आपको यहाँ पर जब आपको परफॉर्मेंस करने का जब आपको ऑफर आया जब आपको बोला गया यहाँ पे परफॉर्मेंस करें तो कितने एक्साइटेड थे आप पहले तो हमें लगा था कि कैसा रहे ऑडियंस किस कैसी रहेगी बट यहाँ लगा कि कितनी यूथ ऑडियंस थी बच्चे बहुत थे तो उस हिसाब से हम लोगों ने सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स अच्छे रखे कि ढोल से रिलेटेड फिर और जब परफॉर्म किया तो सब लोगों ने इन्जॉय किया डांस किया हम लोगों के गानों को इन्जॉय किया बहुत अच्छा लगा हम लोग को तो ये जब लोग छुट्टियों को और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए सूरज वाटर पार्क आते हैं तो आपको कैसा लगा आप देखते हैं अपने नज़र तो आपको कैसा लगता है इस पार्क को देखने के बाद सूरज वाटर इसको देख के ऐसे लगता है कि हम लोग ने बहुत से वाटर पार्क में परफॉर्म किया लेकिन आज हम लोगों ने जब यहाँ पे परफॉर्म किया तो इतना एन्जॉयमेंट हम लोगों के साथ जब किया ऑडियंस ने तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को करके जो कि आज तक हम लोग को इतना मज़ा नहीं मिला कहीं पर थैंक यू